दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपकमिंग एग्जाम्स में जो टॉपिक आते हैं उनको हम लोग यहां पर प्री की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो चाहे वो आपका LIC का एग्जाम हो, इंश्योरेंस का हो, असिस्टेंट का एग्जाम हो या बैंक PO क्लर्क का हो, सब में ये क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस एग्जाम को टारगेट करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको स्मार्ट वे में कैसे सॉल्व करना है और आपको जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके पेपर्स में पूछे आएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखना क्वाड्रेटिक की क्या अप्रोच है, कहाँ कहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। तो चलो एक चीज़ आपको और बता दें कि ये जो क्वेश्चंस हैं स्मार्ट कीड़ा से हमने पिक किए हैं और आप ऐसे और भी क्वेश्चंस स्मार्ट कीड़ा के टेस्ट पोर्टल पर जाकर दे सकते हो। इनका पोर्टल है testzone.com। ओके, आपको ये सारी चीज़ें PDF फ्री में मिल जाएंगी। आप क्या करें कि smartkeeda.com पर लॉगिन कर लें और वहाँ पर जाकर ये वाला क्वांट का कॉन्टेंट एक्सेस कर लें, नंबर सीरीज, एवरेज, क्विज, टाइम एंड वर्क। तो ये सारा डेटा आपको फ्री है, आप इसको एक्सेस करें। और जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की उसके लिए आपको टेस्ट पोर्टल पर जाना होगा, टेस्ट जोन पर। ठीक है, तो आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके 5 ऑप्शन दिए होते हैं, आप सभी को पता है। एक जो स्मार्ट अप्रोच है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, उसको आप अभी कॉपी में नोट भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो उस ट्रिक के ऊपर डिपेंड भी करेगा। ठीक है, 5 ऑप्शन कौन से होते हैं? एक्स और वाई में इक्वेशन दे दी जाएगी, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई, और एक ऑप्शन आपका क्या होता है, एक्स बराबर वाई और सी एंड डी, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। ठीक है, ये आपके 5 ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक ये अंडररूट वाला क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा आता है यार। ठीक है, कई बार इसको लोग पूछते भी हैं। एक्स इक्वल टू अंडररूट 1681 और वाई क्यूब इक्वल टू 1728, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर दो प्लेसेस के पहले, ठीक है, एक लाइन खींच लो। ठीक है, लास्ट में दो प्लेसेस छोड़कर एक लाइन बना लो। देखो वन किसके एंड में आता है, जब नंबर का स्क्वायर करते हो, वन का स्क्वायर करोगे तब वन आएगा और नाइन का स्क्वायर करोगे तब वन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 81 होता है ना, यूनिट प्लेस तो यहाँ पर आएगा और 01 में आएगा। ठीक है, तो वन का स्क्वायर और नाइन का स्क्वायर करेंगे तब हमें यूनिट प्लेस लास्ट में वन मिलता है। अब यहाँ पर लिखा है 1681, ओके। अब देखो 16 ये लिखा है 16, तो आप देखो कौन से नंबर के स्क्वायर के पास में नंबर है, चार स्क्वायर के बिल्कुल सटीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब 4 से अगला नंबर क्या होता है, 5 होता है, 4 इंटू 5 करोगे नंबर कितना आ जाएगा, 20। जो यहाँ पर लिखा है 16, ये नंबर छोटा है या बड़ा है 20 से? ये नंबर इस जो 4 का नेक्स्ट नंबर है 20, 4 इंटू 5 20 हुआ, ये 20 से छोटा है, तो आप 4 के साथ में छोटी वैल्यू लोगे 4 के साथ 1, तो ये हो गया 41। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 41। अब ये सभी को पता है कि बाई क्यूब ये कितना होता है, देखो ये तो सिंपल है, 8 किस में आता है, 8 आता है आपका 2 में। यहाँ पर क्यूब रूट की मैं बात कर रहा हूँ, केवल केवल जब 2 का क्यूब निकालोगे तभी आपको 8 मिलेगा और 1 आपको 1 में मिल जाएगा, तो ये कितना हो गया 12। तो बाई की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर 12। तो देखो x और y में क्या रिलेशन हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा y से, ये तो क्विकली बना लोगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, केवल क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का फंडा था। ओके, अब आ जाओ मेन क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 सेकेंड से ज़्यादा का समय आपको नहीं लगना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही मैं कह दूंगा इसका आंसर आ जाएगा सी एन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप कहोगे कैसे आ रहा है ये सी एन डी। सबसे पहले अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लो, देखो जब एक्स स्क्वायर की जो आपको इक्वेशन लिखी है इसमें प्लस माइनस दे रखा है, प्लस और माइनस, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके रूट निकल कर आएंगे एक्स वन और एक्स टू वो क्या होंगे, एक वैल्यू माइनस आएगी और एक वैल्यू प्लस आएगी, केवल इतना समझ लो आप यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देखो कि जब यहाँ पर ये वाली इक्वेशन दी है माइनस और माइनस, जब दोनों माइनस माइनस दिए होंगे तो जो आपके बाई वन और बाई टू के रूट निकल कर आएंगे वो एक वैल्यू प्लस आएगी, एक वैल्यू आपकी माइनस आएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लो कि एक वैल्यू ये माइनस है और एक वैल्यू ये प्लस है, यहाँ पर एक वैल्यू प्लस है एक वैल्यू माइनस है। इतना सिंपल सा सवाल मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ये प्लस वाली वैल्यू होगी, प्लस वैल्यू जब आप कंपेयर करोगे तो इस माइनस से क्या होगी, ये बड़ी होगी, बिल्कुल कहोगे बिल्कुल बड़ी होगी। ये वाली जो प्लस वैल्यू है ये इस वाले माइनस की वैल्यू से क्या होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, मैंने बड़े का साइन बना दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो प्लस वाली वैल्यू है
ये इस माइनस वाली वैल्यू से बड़ी होगी, तो ये माइनस वैल्यू प्लस से छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पर छोटा सिंबल आ गया। देखो लगातार दो सिंबल आ गए ना, तो इसका मतलब सी एंड डी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्या कोफिशियंट दिया है, क्या दिया क्या नहीं दिया, इट डजेंट मैटर। ओके, अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैं आपको प्रूफ जरूर दिखा दूंगा। पहले आप इतना नोट कर लो कि प्लस और माइनस दिया है तो एक रूट माइनस एक प्लस आएगा, और दोनों माइनस माइनस दिए तो एक प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया यहाँ पर। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस भी होता तब भी हमारा एक माइनस और एक प्लस आता, ठीक है, उस केस में भी हमारा सी एंड डी होता। विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन यू शुड ट्राई दिस। अब आ जाओ कि हो कैसे रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर। फैक्टर तो करेंगे जरूर, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहूँगा बेस मेथड से भी। 35 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 35 इससे मुझे वैल्यू बनानी है प्लस का 4। 35 को क्या लिखोगे, 5 × 7। 63 को क्या लिखोगे, 9 × 7। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाओ कि आपका प्लस 4 बन जाए। तो देखो 5 को 9 के साथ ले लो, 5 × 9 दैट इज 45, 7 × 7 दैट इज 49। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा 45 और 49 का, वो 4 आ जाएगा। अब वो 4 कैसे आएगा, प्लस का ले लो आप 49 और माइनस का ले लो आप 45। तो 49 में से जब आप 45 को माइनस करोगे तो नंबर मिल जाएगा प्लस का 4, और आप देखो 49 और माइनस 45 की मल्टीप्लाई करोगे प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा, और 63 × 35 का मतलब ही यही हुआ 45 × 49। ओके, तो यहाँ पर जब आप रूट लिखोगे x1 और x2 के, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 45, दैट मीन्स प्लस का 45। ओके, अब यहाँ पर प्लस का 49 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 49 डिवाइड बाई 35 डिवाइड बाई 35। एक्स के कोफिशेंट से भी डिवाइड करते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये कितना हो जाएगा, 5 से 9 बार जाएगा और 5 से 7 बार, तो ये आ गया आपका 9/7। ये कितना आ गया, माइनस का 49/35, तो ये 7 से 7 बार और 7 से 5 बार, माइनस का 7/5। ठीक है, अब आप आगे आ जाओ। यहाँ पर अगर आप देखते हो 7y², ठीक है, 7 × 20, मैं आपको फैक्टर करना सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। 7 × 20 से माइनस का 4 बनाना है, तो आप क्या करोगे, 7 × 10 × 2 कर दोगे। अब 7 × 2 एक साथ ले लोगे, ये मिल जाएगा 14, और 10 यहाँ पर रहेगा। 14 और 10 का डिफरेंस 4 कैसे आएगा, जब आप माइनस का 14 करोगे प्लस का 10 कर दोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20 × 7 भी वही आएगा, जो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी, और 14 × 10 = 140 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो (y1 और y2) कितना निकल कर आएगा, ये आपका 7 से डिवाइड करोगे -14 को, तो -14/7 ये कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, और ये 10/ ये देखो यहाँ पर कितना है, ये माइनस की वैल्यू है तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि रूट अपोजिट कर देते हैं जब हम यहाँ पर (y1, y2) लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और (y7) हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्लियर कट देख लो कि आपने जो रूट निकाले वो आपके इसी फॉर्मेट में आ गए। अब 9/7 देखो, एक वैल्यू प्लस की ये है, एक वैल्यू ये माइनस है, एक वैल्यू ये प्लस है, एक वैल्यू ये माइनस है, तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि प्लस वाली वैल्यू इस माइनस से बड़ी होगी और ये वाली एक माइनस ये इससे छोटी हो जाएगी। जब दोनों सिंबल आ गए बड़ा और छोटा, तो सी एंड डी बनी रहा है ना। आप नंबर निकाल कर कंपेयर करोगे उसका भी यही मतलब है, ठीक है, आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे इससे मिलाओगे तो वो चीज़ वही आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर ये होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले ये वाला सेगमेंट देख लो, अगर आपके रूट अलग अलग आ रहे हैं तब तो आपको सॉल्व करना होगा एंड तक, नहीं तो आपको यहाँ पर छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंडा आपके लिए था, मैंने यहाँ पर आपको रूट निकालना सिखाया, क्योंकि रूट ही कंपेयर करते हो, अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता तो रूट तो आपको एटलीस्ट निकालना आ गए होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इस वाले फंडे में क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक माइनस प्लस दिया है, तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये कितनी आएंगी, ये दोनों वैल्यू प्लस प्लस आएंगी, ये माइनस प्लस दिया है तो दोनों रूट प्लस प्लस आएंगे, लेकिन जब प्लस प्लस आएंगे तो कंपेयर तो आपको करने पड़ेंगे ना रूट, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये (y1) हो गया, ये (y2) हो गया, लेकिन फिर भी हमें इनको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो आप देखो 8 × 15 है, तो 8 को क्या लिखोगे, 4 × 2, और 15 को क्या लिखोगे, 3 × 5। अब कॉम्बिनेशन बना के माइनस का 22 बना लो, कैसे बनेगा, 4 का 3 के साथ ले लो, ये हो गया 12, और 5 का 2 के साथ ये हो गया आपका 10,
तो 12 और 10 22 बन रहा है ना, दोनों वैल्यू माइनस की ले लो, माइनस 12 माइनस 10 दोनों को जोड़ोगे माइनस 22 और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस कब आ रहा है, तो इसका मतलब जब यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, 12 बटे 8 हो गया, ये कितना हो गया 10 बटे 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लो 3 की 14 से करोगे 3 × 14, तो इसके फैक्टर कैसे कर पाओगे, ये आपके हो जाएंगे 2 × 7 कर दो यहाँ पर और 3 ऐसे रखो। अब 3 को 2 के साथ मिला लो, 3 × 2 6 और 7 13, ठीक है। तो माइनस 6 माइनस 7 इस तरीके से बन गया, ये आपका कितना आ जाएगा प्लस का 6/3 और ये हो गया 7/3। देखो अब यहाँ पर आप देखो 8/12 आपका कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1.5, ठीक है। ये कितना हो रहा है हमारा 10/8, ये आपका हो जाएगा 8 से एक बार और ये दो बार और पांच बार 1.25 हो गया। ये पूरा 2 हो रहा है, ये 3/7 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.33 समथिंग, ओके। अब आप यहाँ पर देख लो ये जो 1.5 है ये इससे छोटा है और इस वैल्यू से भी छोटा है, तो आप यहाँ पर छोटे का सिंबल लगा दो। 1.25 इस 2 से भी छोटा है, 2.33 से छोटा है, तो छोटा सिंबल लगा हुआ है, तो x इज लेस देन y इस केस में आ गया, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। चलो थोड़ा सा आगे और हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं। देखो जब दोनों वैल्यूज प्लस प्लस हो तब तो रूट ऑब्वियसली आपको माइनस माइनस ही मिलेंगे, इस केस में भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो ये 72 है तो कितना आ जाएगा 9 और 8 9 × 72 होता है ना, 9 × 8 विच इज इक्वल टू 72, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया प्लस 9 और प्लस 8, इन दोनों को जोड़ा तो 17 मिल गया, दोनों की मल्टीप्लाई की तो प्लस का 72 मिल गया। प्लस 9 का मतलब प्लस 8, तो दोनों वैल्यूज अपोजिट लिखी जाएंगी, 9 और 9 ये माइनस लिख दिया जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब दोनों प्लस प्लस हैं तो माइनस माइनस ही रूट ऑल द टाइम आएंगे। अब 8 को कैसे ब्रेक करोगे कि 6 बन जाए, 4 × 2 कर दो, 4 × 2 6 हो जाएगा और 4 × 2 कर दोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो एक 4 × 8 = 2 आ गया, ठीक है। अब अगर आपको कंपेयर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को माइनस वैल्यूज़ में कंपेयर करने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका हो गया 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर −1, −2 और −3। जो वैल्यू 0 के जितने पास होगी वो उतनी बड़ी होगी। अगर आप −9 की कंपेयर −4 से कर रहे हो तो देखो −4 जो है ये वैल्यू 0 के ज़्यादा पास होगी और −9 कहीं यहाँ पर होगा, तो ऑब्वियसली −9 छोटा होगा, −4 बड़ा होगा, तो −9 इज लेसर देन −4, ठीक है। एक्स और वाई की कंपेयर में पहला कंक्लूजन ये आ जाएगा। अगर −9 और −2 में करेंगे तब भी ये छोटा आ जाएगा, ओके। ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पर आ रही है, ये हमारा 8 था, ठीक है। अब आप 8 की देखोगे −8, ये भी इससे छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, तो x इज लेस देन y अल्टीमेटली यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले तो ये देख लो प्लस माइनस और प्लस माइनस, जब कभी भी इस तरीके का केस बनेगा कि आपकी एक वैल्यू प्लस है और एक वैल्यू आपकी माइनस है, मैंने भी आपको बताया था, तो एक रिजल्ट माइनस आएगा एक रिजल्ट प्लस आएगा, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो एक रिजल्ट माइनस आएगा एक रिजल्ट प्लस आएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, ये नेगेटिव नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है और ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ये जो नेगेटिव नंबर है ये इस पॉजिटिव से क्या होगा, छोटा होगा, तो एक्स और वाई के बीच में मैंने यहाँ पर लेस देन का सिंबल लगा दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव नंबर है, ये हमेशा इस निगेटिव से बड़ा होगा, तो आपने बड़ा लगा दिया। जब ये दोनों सिंबल आ गए तो आपका सी एन डी हो जाएगा, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकाल पाओगे। मैं कह दूँ कि एक्स जो है वो बाई से बड़ा है और फिर मैं कह दूँ कि एक्स जो है वो बाई से छोटा है, यार कहना क्या चाह रहे हो आप, ये तो बही वाली पोजिशन हो जाएगी ना। तो इस केस में आपका क्या होता है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फैक्टर बता दे रहा हूँ कि इस 126 के फैक्टर कैसे करोगे कि प्लस 5 मिल जाए। देखो आप ये देखो कि 126 किसकी टेबल में आता है, क्विकली देखना, 14 की टेबल में आता है, 14 से 9 बार जाएगा, ठीक है। 14 × 9 करोगे तो 14 × 9 दैट मीन्स 126, तो 126 को क्या लिख दोगे 14 और 9। अब आपको 5 बनाना है, ऑब्वियसली बन जाएगा आपका, कैसे बनेगा, आप यहाँ पर देख लो प्लस का 14 और ये वैल्यू कर दो माइनस की 9,
ठीक है, प्लस 14 माइनस 9 प्लस 5 बचेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 126 आ जाएगा। रूट निकालने आ गए 104, दैट मीन्स 13 इंटू 8। अब देखो प्लस 5 बनाना है और माइनस का 104 मल्टीप्लाई पर होना चाहिए, तो प्लस का 13 माइनस का 8 दोनों को जोड़ोगे प्लस 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस का 104 आ जाएगा। तो ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आप बनाओगे। ओके, एक बार टेबल बता दूं, फिर से रिवाइज कर लो कि एक रूट प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस आपके रिजल्टेंट वैल्यू आएंगे। इसी तरीके से दोनों माइनस माइनस हैं तो एक आपका प्लस आएगा एक आपका माइनस आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर दोनों प्लस प्लस दे रखे हैं तो रिजल्टेंट रूट माइनस माइनस ही आएंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। और अगर एक माइनस दे रखा है और एक प्लस दे रखा है तो दोनों के दोनों क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ओके, तो बस यही चार पांच पैटर्न है जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछे आते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना पाओगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, पहले हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो अप्रोक्सीमेशन के कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको चार पांच क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो आपको डेटा दिया होता है उसको एग्जैक्टली आपको नहीं कैलकुलेट करना होता है, उसके आसपास की वैल्यू को पिक करके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। और आप हमेशा ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें जैसे कि हो गया आपका स्क्वायर हो गया और आपका क्यूब हो गया, ठीक है, क्यूब रूट हो गया और स्क्वायर रूट हो गया, और साथ में जो आपकी टेबल हो गई, ठीक है, ये आपकी रटी होनी चाहिए। अब कितने तक स्क्वायर आने चाहिए, स्क्वायर में आपको बता दूं कम से कम आप 30 से 35 तक स्क्वायर याद रखो, 15 तक आपको जो है क्यूब याद होनी चाहिए, ओके। और बाकी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना आपको आना चाहिए, उसकी ट्रिक्स हमने बताई हैं। अगर अभी भी आपको वो चीज़ निकालनी नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको एक सेपरेट सेशन में आपको बता दूंगा कि स्मार्ट वे में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। इसमें यहाँ पर लिखा है यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, यू हैव टू कैलकुलेट द क्वेश्चन मार्क वैल्यू, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर जो है सटीक मान की वैल्यू जो है नहीं निकालनी है, ओके। तो ये क्या लिखा है 820.01, तो इसको आप 820 कंसीडर कर लो, ये 21 इंटू 32.99, इसको आप क्या लिखोगे 21 इंटू 33, ठीक है, प्लस x इक्वल टू 240। अब देखो ये वाला आप ओरल कर लो, 21 इंटू 3 63 प्लस 6 कितना हो गया 69, ओके। तो इस फॉर्मेट में आपका 693 बन गया, और 820 माइनस 693, तो देखो यहाँ पर 7 कम है, 7 आप और ऐड कर दोगे 700 बन जाएगा, और ये 120, तो ये कितना हो गया 127 आ जाएगा, 820 माइनस 693 प्लस x इक्वल टू 240। आप देखो 127 में 13 जोड़ोगे 140 हो जाएगा, 100 जोड़ोगे तो 240 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 113। तो ओवरऑल माइंड में कैलकुलेशन करनी है, ओके। आप कर मैं वही रहा हूँ, 127 को माइनस कर रहा हूँ 240 से, ओके, बट यहाँ पर हम ओरल कर रहे हैं 127 प्लस 13 दैट इज 140 एंड अगेन एड 100 दैट विल बी 240, ओके। सो 13 प्लस 100 दैट मीन्स 113। तो इस फॉर्मेट में हम आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, यहाँ पर ध्यान से देखना क्या है, बेसिकली लिखा है कि 24.99% ऑफ दिस वैल्यू डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 125% ऑफ 4.11 इज टू होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखा है 24.99%, दैट मीन्स कि 25% एंड 25% 25 बाई 100 विच इज इक्वल्स टू 1/4। सो हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर 25% इज इक्वल्स टू 1/4, ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू दिस वैल्यू विल इक्वल्स टू 400, 399.995, दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा 400, ओके, डिवाइड बाई x, दैट मीन्स 1/x, यू हैव टू कैलकुलेट द क्वेश्चन मार्क विच इज x, ओके, इक्वल्स टू 125%, दैट मीन्स 5/4, आपको डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट डायरेक्टली, वाई, क्योंकि 125 बाई 100 25 से 5 बार 25 से 4 बार, तो ये 5/4 आ जाएगा, इंटू ये है 4 और यहाँ पर स्क्वायर है, ये वैल्यू कट गई। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 5 का स्क्वायर विच इज 25, 1/x, और ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 100 टाइम्स, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये देख लो, ये 100 है तो इसको यहाँ पर लिख लो,
ये आपका 4 टाइम्स गया, x आपका इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। मैंने तो बहुत सारे स्टेप लिख दिए, लेकिन आप काफ़ी सारा यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आप कम स्टेप में सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको बहुत सारी कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। आप एक बार जाओ और पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट है smartkiller.com पर, रीजनिंग का, इंग्लिश का और मैथ्स का, उन तीनों सेक्शंस को जाकर अटेम्प्ट करो। पहला मॉक फ्री है, ओके। तो मैं नीचे आपको लिंक भी दे दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 33.003 × 32.998, दैट मीन्स कि 33 × ये वैल्यू भी 33 हो जाएगी, प्लस 99.99910, दैट मीन्स ये 100 अप्रॉक्स। तो 33 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 33 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका 1089, ठीक है। अब जिन लोगों को डायरेक्टली नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, वैदिक मैथ्स तो आता होगा ना, इसकी मल्टीप्लाई कैसे होती है, पहले इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 9 हो गया। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस को ऐड कर देना है, जैसे 3 × 3 प्लस ये वाला 3 × 3, तो मतलब 9 + 9 कितना हो गया 18 का 8 आएगा, 1 विल बी कैरी हेयर। अब अगेन 3 × 3 9, 9 + 1 10, ओके। तो 1089 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब 1089 में आप 100 ओरली कैलकुलेट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1189, विच इज़ इक्वल्स टू, वेरी क्लोज टू 1190, 1190 के सबसे ज़्यादा पास है। तो मुझे लग रहा है ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में दोस्तों आ रहा होगा, ठीक है। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर ये वाला देखो, एक बार खुद से सॉल्व करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 7.09 + 4.96, 7.09 विच इज़ इक्वल्स टू 7, 4.96 विच इज़ इक्वल्स टू 5, 7 + 5 दैट इज़ 12, 12² 144 प्लस 6 × 7 दैट इज़ 42 माइनस एक्स इक्वल टू 169। ये वाला जो माइनस का एक्स है ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 169 ये वैल्यू इधर आके माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो ये कितना आ जाएगा, 426 448 186, 186 माइनस 169 दैट इज 17। तो डायरेक्टली हम 17 इस फॉर्मेट में बना लेंगे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है 169 ये इधर माइनस हो जाएगी, तभी आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे, ओके। तो मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को आगे लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड कर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं इस यूट्यूब चैनल के बारे में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।